हमारा प्यारा भारत, जिसे ना जाने कितने आक्रांताओं ने हमला किया, कितना लूटा और हमारे ऊपर काफी जुल्म किए, पर हस्ती है हमारी जो कोई मिटा ना सका। छत्रपति शिवाजी महाराज की। 15 अगस्त सन 1947 को हम आजाद हुए, पर एक काला दिन जिसमें से हमसे एक हिस्सा अलग हुआ। दिन बीतते गए, 20वीं सदी गई, 21वीं सदी आ गई। एक तरफ हम तरक्की की तरफ दौड़ने लगे और दूसरी तरफ हमारा पड़ोसी आतंक के रास्ते पे दौड़ पड़ा। आज स्थिति ऐसी है, दुनिया में कोई भी बात भारत के बगैर सोची नहीं जा सकती। दूसरी तरफ हमारा पड़ोसी दिवालिया होने के कगार पे है। आज का जमाना हाईटेक का जमाना है। अब आपके बहुत सारे काम मोबाइल पे हो जाते हैं। आप किसी भी देश के बारे में आसानी से जान सकते हो। ऐसा बोला जाता है, अगर कोई भी इंफॉर्मेशन गूगल पे नहीं है तो वो चीज दुनिया में है ही नहीं, उसका कोई अस्तित्व नहीं है। इस वीडियो में हमने जाना था कि कैसे पाकिस्तानी चैनलों की बाढ़ आ गई है। अब तो हालात ये है कि आए दिन रोज कई पाकिस्तानी चैनल्स बन रहे हैं, उनमें से भी रिएक्शन और पब्लिक रिएक्शन चैनलों की भरमार है। ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर बस नाम के हैं। जैसे इनकी भीख मांगने की आदत है, वैसे ही चैनल्स बनाने के बाद प्यार, दोस्ती, अमन, सद्भाव, वड़ा पाव की बात करेंगे और तो और अपनी माँ, बहन या वाइफ को बैठा के या तो इमोशनल बातें करेंगे या फिर हमें ठरकी समझकर औरतों को आगे करेंगे। यहाँ तक कि अब एक ही गांव के सारे लोग आपस में बैठकर रिएक्ट करेंगे। जैसे ही इनको थोड़ा स्पेस मिलता है, ये असलियत पे आ जाते हैं और अपना हथियार नेम कॉलिंग का सहारा लेंगे। अब जिन्हें नेम कॉलिंग नहीं पता वो ये वीडियो देख ले, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर ठीक से नियम पढ़ा जाए तो YouTube आपको किसी का भी कंटेंट को इस्तेमाल करने की छूट दो कारणों में देता है, या तो आप उससे परमिशन लो या फिर फैक्ट और लॉजिकली क्रिटिसिज्म या एप्रिसिएशन करो। पर कुछ पाकिस्तानी इसका गलत इस्तेमाल करके अपना एजेंडा, प्रोपोगंडा और हिपोक्रेसी दिखाते हैं, जो एक क्रिमिनल और टेररिस्ट एक्टिविटी है। जो लोग इनके वीडियोस देखते हैं तो आप लोगों को एक पैटर्न मिलेगा। ये दो या तीन बंदे बैठते हैं, एक माहौल को लाइट करेगा, दूसरा इतना ज्यादा इनफेक्ट बातें बोलेगा जिसमें सच्चाई नाम की कोई चीज नहीं होगी, पर वो हमेशा अनबायस शन करेगा। ज्यादातर ये वहाँ की रूलिंग पार्टी के मेंबर्स और कटोरा नियाजी के समर्थक है। इनमें से जो खिलाफ बोलता है वो नेम कॉलिंग यानी उल्टा बोलना का सहारा लेता है। दूसरा जो शांत करता है उसे ग्लिटरिंग जनरलिटी कहते हैं। एसोसिएटिंग समथिंग विद ए वर्चुअल वर्ल्ड, ये एक प्रोपोगंडा डिवाइस है। इसमें वो हमारे हिसाब से बातें करेगा, पर वो नेम कॉलिंग वाले को ज्यादा बोलने देगा, खुद कम बोलेगा। इन चक्रों में ये भूल गए कि इन पे नजर रखी जा रही है, क्योंकि दुश्मन का पानी भी कोई नहीं पीता। ये तो जहरीले नाग और नागिन है। पहला इतना झूठ और जहरीले बातें करेगा, दूसरा तो इतने अमन की परिभाषा बोलेगा कि लोग इनकी बातों से बेवकूफ बने और रोज पहले वाले को गाली दे, दूसरे की पीठ थपथपाए और इनकी रीच बढ़ जाए। हर एक कन्वेंट वालों में से ज्यादातर लोग भूल जाते हैं कि वो क्लिक बिट भी दे रहे हैं और रीच भी बढ़ा रहे हैं, और ऐसा करने से वो उनकी मदद कर रहे हैं। रिएक्शन में ज्यादातर ये जिहादी बातें करते हैं, हमारे धर्म को भरा बुरा बोलते हैं। ये एक आतंकवादी की पहचान है, क्योंकि उसके दिमाग में जो भी भरा गया है वो वही बात कर रहा है। फर्क इतना है, इनका मुंह इनका हथियार है और आपका कान और दिमाग इसके विक्टिम है। अब जो कान से सुनोगे वही दिमाग में जाएगा, और आदमी भी दिनचर्या में वैसा ही बिहेवियर रखेगा जो दिमाग है, और अनजाने में दिमाग में घर कर गया है।
इसको ऐसे समझते हैं, मान लीजिए एक धक्कन आपसे बात कर रहा है और आपकी माँ के बारे में कुछ बोल दे, आप उसकी बात को सुनने के बजाय उसका मुंह तोड़ दोगे, फिर उससे जिंदगी में कभी मेल जोल नहीं रखोगे, चाहे वो कितना भी आपसे माफी मांगे, आखिर माँ तो माँ होती है, जिंदगी भर उसकी शक्ल देखने पर वो बातें याद आएगी और आप मुंह मोड़ लोगे। ठीक वैसे ही ये हमारी धरती माँ को उल्टा बोलते हैं तो आपको गुस्सा आता है, बस मुंह ना तोड़ के उसको कमेंट्स कर देते हो, पर उसकी शक्ल रोज देखने और कमेंट्स के लिए उतावले रहते हो। तो दोस्तों, आप उनको देखना बंद क्यों नहीं करते? क्यों भारत माता आपकी सौतेली माता है जो आप भारत माता का अपमान देखने जाते हो? आपका इनको देखना ही हमारे देश के लिए खतरनाक है, क्योंकि अनजाने में आप उनकी बातों को अपने दिमाग में पहुंचा रहे हो। आप बहुत ज्ञानी कमेंट्स करेंगे, हम उनकी बातों को सीरियसली नहीं लेते, पर बात तो अपमान की है, वो हमारे देश हमारी भारत माता को गाली दे रहे हैं और आप सीरियस नहीं हो, तो आप हमारे लिए बोझ हो। 2.5 फ्रंट वॉर में 0.5 वाले गद्दार हो, क्योंकि आप उनकी बातों को दिमाग में रख रहे हो, गुस्से का घुट पी रहे हो। इससे आपकी मनस्थिति मानसिक रोगी के जैसे होगी, जिसे बात बात पर गुस्सा आना, चिड़चिड़ापन, अनसिक्योरिटी फीलिंग, लोगों से दूर होना, आपके रिपोर्ट करने पे भी एक्शन न होने पर निराश रहना और सरकार या विपक्ष के प्रति निराशावादी रहना, ये हमारे समाज और देश के लिए खतरनाक है। हो सकता है आप मेरे बातों को समझ ना सके, मेरे बातों का मजाक उड़ाए, पर एक ना एक दिन इस रिएक्शन टेररिज्म को आप समझोगे और मेरी बातों से सहमत होंगे। प्रोपोगंडा के अगले डिवाइस का टॉपिक ट्रांसफर होगा, जिसे इट लिंक्स द आइडिया और प्रोडक्ट विद समथिंग पीपल लाइक और रिस्पेक्ट कहते हैं, मैं कवर करेंगे। मिलते हैं अगले रोस्ट एंड रिएक्ट में। जय हिंद।